नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। 23 अगस्त को चांद की गोद में पहुंचा प्रज्ञान रोवर एक एक करके चांद के रहस्यों से पर्दाफाश कर रहा है। इस बार प्रज्ञान रोवर ने चांद पर आए भूकंप की रिपोर्ट दी। जी हाँ, आपने सही सुना, चांद पर भूकंप आया। इस बात की जानकारी इसरो ने अपने लेटेस्ट अपडेट में दी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इसरो द्वारा दी गई इसी नई रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक रिपोर्ट जारी की है। चंद्रमा की सतह पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे विक्रम लैंडर ने अब चांद पर हो रही प्राकृतिक कंपन यानी कि चांद की सतह पर हो रही हलचल से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट में इसरो ने बताया है कि विक्रम लैंडर पर कई ऐसे टूल्स को फिक्स किया गया था जो चांद की सतह पर होने वाले वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करेंगे। और अब लैंडर पर लगे इन्हीं टूल्स ने प्रज्ञान रोवर और दूसरे पेलोड्स पर हुई ऐसी ही एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया। बता दें, इन टूल्स ने 26 अगस्त को कंपन की इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है। और अब इसरो की ओर से चांद पर हुई इस एक्टिविटी की जांच शुरू कर दी गई। बता दें, इसरो द्वारा लगाए गए ये टूल्स चांद पर सिर्फ भूकंप ही नहीं बल्कि भूकंप के पहले और बाद की स्थिति पर भी अपनी पैनी नजर जमा कर रखने वाले। बता दें, इससे पहले इसरो की ओर से चंद्रमा के साउथ पोल रीजन पर पाए गए प्लाज्मा पार्टिकल्स की जांच की अपडेट दी गई। इसके साथ ही इसरो की ओर से अपडेट दी गई थी कि चांद पर प्लाज्मा पार्टिकल के अलावा कई और चीजें मौजूद हैं। बात करें चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ और अपडेट्स की, तो कुछ दिनों पहले इसरो की ओर से प्रज्ञान रोवर द्वारा धरती पर भेजे गए मैसेज की जानकारी सामने आई थी। चंद्रयान 3 के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के पोस्ट में लिखा गया था कि मैं चंद्रमा के रहस्यों को सामने लाने के रास्ते पर निकल चुका हूँ। मैं और मेरा दोस्त विक्रम लैंडर संपर्क में हैं। हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन के तहत भेजा गया रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर एक गड्ढे के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद उसे पीछे जाने का निर्देश दिया गया था। इसरो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि रोवर अब सुरक्षित रूप से नए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।